नगर परिषद चुनावों के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और आज शाम 4 बजे से चुनाव प्रचार थम गया। इस बारे जानकारी देते हुए SDM चंबा शिव प्रताप सिंह ने बताया कि इस बार नगर परिषद के चुनाव 10 जनवरी को होना निश्चित हुए हैं, जिसे देखते हुए शुक्रवार शाम 4 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस दौरान शराब की बिक्री पर भी पाबंदी रहेगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस दौरान सुबह 8 से 4 बजे तक मतदान होगा और उसके तुरंत बाद मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी और चुनाव नतीजे भी निकाल दिए जाएंगे। जो 10 तारीख के लिए जो हमारा नगर परिषद चंबा और म्यूनिसिपल काउंसिल चंबा जो है उसकी जो चुनाव है उसकी पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है। जो हमारे 11 वार्ड्स हैं उनके लिए चुनाव है और 16 पोलिंग स्टेशन्स हैं। पोलिंग स्टेशन्स की डिटेल्स हमने आपको दे दी है। उसके बाद जो पोलिंग का टाइमिंग है वो 8 बजे से लेकर 4 बजे तक के लिए है। 4 बजे के बाद जो पोलिंग है वो हमारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए है। उनसे हमने संपर्क साधने के लिए पूरी व्यवस्था PMO के थ्रू करवा दी है। जहाँ तक विषय है कैनवेसिंग का, तो आज 48 घंटे पहले बंद हो जानी है। तो आज 8 बजे 8 तारीख को आज है जो कि उसके 4 बजे ये पूरा प्रोसेस बंद हो जाएगा। सारे के सारे जितने भी आपके कैनवेसिंग का टास्क है वो सारे कैंडिडेट्स को ख़त्म करना पड़ेगा अगले 2 दिन के लिए। साथ ही सारी जो हमारे लिकर शॉप्स हैं उसके लिए DC साहब के आदेश आ गए हैं और उनकी भी पालना होनी है। सभी लोगों ने अभी तक रेयरली हमारे पास कोई कंप्लेंट आई है वायलेशन की, जो कि अपने आप में एक प्रशासन के लिए भी और हमारे सारे कंटेस्टेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। इसमें एक विषय ये है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो हमसे वोटर लिस्ट उनके पास ज़रूर होगी, तो जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनके लिए सहूलियत पैदा करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। जो पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के भीतर कुछ भी मूवमेंट, किसी भी प्रकार की कैनवेसिंग वगैरह वो अलाउड नहीं होगी। और उसके साथ एक और बात है, जो उनका पोलिंग एजेंट है वो वहाँ पे रह सकते हैं। सभी कंटेस्टेंट कोशिश करें कि 7 बजे परसों सुबह 7 बजे वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे मौजूद रहें, क्योंकि मॉक पोल होगा। मॉक पोल इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपकी संतुष्टि रहे कि EVM जो है जब शुरू हुई थी वो 0 से शुरू हुई थी, और साथ ही कि जो उनमें वोटिंग हो रही है वो सही वोट सही व्यक्ति को जा रहा है। इस चीज़ में आप लोगों का कन्विंस होना, आप लोगों का विश्वास होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो कृपया करके 7 बजे पहुँच जाएँ। दूसरा विषय ये है कि जो हमारा काउंटिंग का प्रोसेस है, काउंटिंग का प्रोसेस हमारा बचत भवन में अराउंड 5 से 6 o'clock शुरू हो जाएगा, एज सून एज की सारे के सारे जितने भी हमारे EVMs हैं वो हमें बचत भवन में मिल जाती हैं। काउंटिंग एजेंट्स के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं जिसको भी नॉमिनेट करना चाहते हैं हमारे ऑफिस आके नॉमिनेशन उसका दे सकते हैं। साथ ही 6 बजे अगर वो शुरू होता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 7 या 7:30 बजे तक हमारी पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी। तो सभी कंटेस्टेंट्स का धन्यवाद भी कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया और सब लोग आके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें।